और आखिरकार राजद के आंगन में ही गिर गया समाजवाद का आखिरी बरगद, वो ऐसा बरगद जिसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अभी चंद दिनों पहले ही जेल से चिट्ठी लिखकर कहा था कि अभी आपको कहीं नहीं जाना है, आप स्वस्थ होकर वापस लौटिए तो बातें होगी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर थी। शायद लालू सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उनके सबसे प्रिय और परिवार के हर सुख दुख में चट्टान की तरह अडिग रहने वाले बिहार के दिग्गज समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अब स्वस्थ होकर उनसे बात करने कभी नहीं आएंगे। आज 74 वर्ष की आयु में उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। उनकी मौत पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने दुख व्यक्त करते हुए लिखा, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया? मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आज बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हो गई है। नहीं रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि। आज जब आज ही कार्यक्रम की शुरुआत थी, उसके कुछ ही समय पहले हमारे बिहार के एक बड़े सुविख्यात नेता रघुवंश बाबू थे, रघुवंश प्रसाद सिंह जी एम्स में भर्ती थे, उनके निधन की भी जानकारी मिली। इसके प्रति भी हम लोग अपना शोक प्रकट। उनके इस मौत पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह मर्माहत है। आपको अकेला नहीं समझते थे। आज उनके निधन की खबर सुनकर के हम लोग सब लोग जो है मर्माहत हैं, दुखी हैं। और कोई शब्द नहीं है जिस शब्द को हम लोग जो है व्याख्या कर सके। जबकि राजद नेता तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा, हमारा सिरमौर हमारे बीच नहीं रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता आदरणीय रघुवंश प्रसाद की मौत की खबर सुनकर मर्माहत हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपका हम सबों को छोड़कर जाना मानो हमारे सिर से एक अभिभावक का साया हटने जैसा प्रतीत हो रहा है। जबकि जदयू नेता निहोरा प्रसाद यादव ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह से जाना काफी दुखदायी और मर्माहत वाली खबर। रघुवंश बाबू के निधन की सूचना काफी दुखदायी और मर्माहत करने वाला रहा। उनके निधन से पूरा बिहार आज दुखी है। पुराने समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी रहे रघुवंश बाबू। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जैसा विद्वान समाजवादी नेता का चला जाना बेहद अफसोसजनक है। ये रघुवंश प्रसाद सिंह जी का निधन एक अपूर्णीय क्षति है बिहार की राजनीति और सामाजिक जीवन के लिए। और उनके जैसे पढ़े लिखे विद्वान और समाजवादी राजनीति के पुरोधा अब नहीं रहे, यह बिल्कुल ही हम सभी के लिए अफसोसजनक है, दुखद है। वहीं हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि उनके निधन से बिहार मर्माहत है। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर जो काम किया वह भारत में अद्वितीय रहा। रघुवंश प्रसाद सिंह जी के निधन से आहत हूं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उन्होंने जो काम किया है वो अद्वितीय रहा है। एक मंत्री की हैसियत से उनके काम को बिहार की नहीं देश की जनता हमेशा याद रखेगी। बिहार ने एक विभूति को खोया है जो अपने आप में एक गम का विषय है। लालू प्रसाद यादव के सबसे पुराने सारथी रघुवंश प्रसाद सिंह वो नेता थे जिन्होंने उनका साथ उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब चारा घोटाले में नाम आने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यहां तक कि जब जनता दल के तमाम नेता लालू यादव के विरोध में खड़े हो गए तो रघुवंश प्रसाद सिंह उनके साथ चलते रहे और लालू के साथ मिलकर 1997 में
राष्ट्रीय जनता दल के नाम से अलग पार्टी का गठन कर लिया। रघुवंश प्रसाद हमेशा लालू के करीबी रहे, लेकिन लालू परिवार पर तमाम किस्म के आरोप लगने के बावजूद रघुवंश प्रसाद सिंह की नीयत और छवि पर कभी कोई दाग नहीं लगा, जिन्होंने पार्टी को बुलंदी पर पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है। रघुवंश आरजेडी के उन गिने चुने नेताओं में से एक रहे जिन पर कभी भी भ्रष्टाचार या गुंडागर्दी के आरोप नहीं लगा। लेकिन अपने मौत से 3 दिन पहले उन्होंने 4 लाइनों में कागज के सादे टुकड़े पर एक भावनात्मक चिट्ठी लिखकर उनका साथ छोड़ने की बात कह गए। यही नहीं, रघुवंश बाबू बिहार ही नहीं देश के दिग्गज नेताओं में से एक थे। सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले रघुवंश बाबू आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उन्होंने जिस विचारधारा से जुड़कर समाज की सेवा करते रहे वह बहुत याद आएगी। बहुत याद आएगी उनकी विवाह की, बहुत याद आएगी उनका काम करने का जुनून, बहुत याद आएगी पत्रकारों के प्रिय, बहुत याद आएगी उनके साथ रोटी दाल और एक सब्जी का खाना, बहुत याद आएगी उनकी सादगी, बहुत याद आएगी उनकी विचारधारा, बहुत याद आएगी लालू जैसे दिग्गज नेताओं की गलती पर भी ऑन द रिकॉर्ड बोलने की साहस, बहुत याद आएगी नई पीढ़ी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने की कला। लाइव इंडिया न्यूज परिवार भी आज मर्माहत है। भगवान उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। उन्हें सत सत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट।